क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। तो आज ना नमाज पढ़कर मैं सो गया था, तो आज ना चाचू की बेटी है, उनकी उसकी आज शादी है, बारात है, तो ना नमाज पढ़ के मैं सो गया था, लेट सोया था, तो इसलिए नमाज पढ़ी और फिर मैं ना सो गया। तो मैंने मेरा जो हाल जाना है अभी, तो वहाँ पे जाके जो खाना वगैरह है वो देखने हैं, यानी कि नगरान हूँ मैं। तो मेरा जो हाल जा रहा हूँ मैं अभी, पहले मैं घर जाऊँगा तो फिर उधर मेरे हाल जाऊँगा, चीज़ें पहुँचानी है वहाँ पे, लेके जानी है, दिखाते हैं आपको कैसे कुकिंग करते हैं, क्या क्या कुकिंग करते हैं। ठीक है जनाब, मैं आपको एक और सरप्राइज़ बताऊँ। माहिरा खान हम लोगों से तंग आकर ट्विटर छोड़ चुकी है। नेक्स्ट नंबर देखें किसका आता है, मंसूर का आता है, उसके बाद मारवी का आता है, या उसके बाद अमर लियाकत साहिब का आता है। मैं इतना फोर्स दे के बोल रहा हूँ, यानी कि आप समझ तो गए होंगे क्यों मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी आज थोड़ा सा ना ये जो जियो का अहमद मीर है गद्दार, इसके बारे में भी आज बात होगी इंशाल्लाह ताला। इसने क्या क्या ट्वीट किया है वो भी मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह ताला, ज़िंदगी रही तो, बाकी जो अल्लाह पाक को मंजूर। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्या हाल चाल है? सॉरी माजरत कि मैंने कल का वादा किया था कि मैं व्लॉग बनाऊंगा, मैंने नहीं बनाया। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि चाचू की बेटे की शादी है, यानी कि सिस्टर की शादी थी, कज़न सिस्टर की। तो फिर आपको पता है बहन बेटी की शादी हो तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदा बिजी रहता है, खासतौर जिसकी ड्यूटी लगी हो कि मेहमानों का ख्याल रखना, तो मेहमानों का ख्याल खाना वगैरह देना होता है, वेटर वगैरह ने मेरे ख्याल में। लेकिन फिर भी जो मेज़बान होते हैं, यानी कि लड़की वाले होते हैं, जो वो ख्याल रखते हैं, वो जो पूछते हैं खाना वगैरह, तो फिर वो मेहमान जो है ना खुश होते हैं ज़्यादा कि जी हमारा ख्याल रखा जा रहा है, यानी कि हमें पूछा जा रहा है बार बार। ठीक है, तो उसके बाद मैं वहाँ बिजी रहा काफ़ी, उधर इधर उधर भाग दौड़, उसके बाद फिर घर सामान लाना मैरिज हॉल से, फिर वहाँ से घर में आके, घर पे आके तो फिर मोहल्ले में और फिर रिलेटिव जो है उनको खाना तक देना भेजना उनके घरों में। ठीक है, तो काफ़ी मैं बिजी रहा और मैं थक गया था फिर जल्दी, तो तकरीबन मैं 11-12 बजे मैं सो गया था। पबजी भी नहीं खेला, एक गेम लगाई तो सब फ्रेंड मैसेज भी कर रहे थे, मैं कहने यार मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो सुबह फिर उठा, नमाज पढ़ी, तो नमाज पढ़ के फिर मैं सो गया। तो अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ, जोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी गई मुझसे ना, तो घर वाले सारे वलीमे पे चले गए, मैं नहीं गया, मैं कह चले मैं घर पे रहता हूँ। तो अभी मैं छत पर खड़ा हूँ, खुद ही चाय बनाई अपने हाथों से, कभी आए आपको अपने हाथों से चाय पिलाऊँगा इंशाल्लाह ताला। तो चाय पिलाने का मतलब कि अपने हाथों से बना कर आपको मैं चाय पिलाऊँगा, और फिर आप मुझे बताइएगा कि कैसी चाय बनाता है। चले छोड़े, टॉपिक पे आते हैं। तो मज़े की बात ये है कि मंसूर खान साहब गए हैं रैली में, तो उनसे एक एंकर ने सवाल पूछा किसी से, औरत से वहाँ पे जो शामिल हुई थी, शमूलियत की थी, कि आप मंसूर अली खान को जानते हैं? उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं जानते, सामने खड़े थे। ठीक है, चले ये होता है कि ये जाहिर नहीं, क्या कहते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई हर आपको जानता ही हो। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जो पाकिस्तान के दुश्मन है ना, तो जितना एडी जोर लगा सकते हैं, एड़ी जोड़ी तक जोर लगा सकते हैं, यानी कि जिन्नी उन्हें जो जान है, जिन्ना वो कर सकते हैं करो, सानू कोई परवाह नहीं है। यार मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन ये मैं बोल नहीं सकता, मजबूर हूँ मैं। चले छोड़े, जो भी है इस्माइल गुलालाई, हमें कोई परवाह नहीं है तेरी, तू जितनी मर्जी बकवास कर, कुत्ते की तरह तू कुत्ती है तो कुत्ती की तरह तू बकवास करेगी। ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं, कोई मुझे बोले कि तू औरत को ये बोल रहा है, आई डोंट केयर। ठीक है, जो मेरे पाकिस्तान का दुश्मन है, मेरी आर्मी का दुश्मन है, वो मेरा भी दुश्मन है। ठीक है, तो अगर तुम्हें इतना दुख है तो पाकिस्तान क्यों नहीं आई, क्यों नहीं औरत मार्च मेरा जैसा मेरी मर्ज़ी में शमूलियत की? ठीक है, अगर तू आती हमें पता चलता कि ओ हो जनाब आए हैं तो आकर शमूलियत की है, वहाँ बैठ के मशवरे दे रही हो, ठीक है, इट्स नॉट गुड। उसी मेरा जैसा मेरी मर्जी में एक भाई आए हुए थे, भाई ये वो वाले भाई है, भाई जो पहले होते थे ना, कंधे पे तोलिया रखते थे और ये छोटी फिंगर में सिगरेट डाल के पीते थे, जिन्हें कंजर कहते थे, ये वो भाई था, वो आया हुआ था। तो हमारे यासिर शामी साहब जो है डेली पाकिस्तान वाले एंकर, उन्होंने पूछा, उन्होंने पकड़ा हुआ मेरी बहन की मर्जी,
तुम कौन होते हो, कुछ इस तरह का था। तो ऐसा शमी साहब ने पूछा कि आपको यानी कि वो जो कुछ भी करे आपको कोई परवाह नहीं। कहता नहीं कोई परवाह नहीं है, यानी कि फुल बिस्ती प्रूफ कंजर था वो। ठीक है, यानी कि फुल बिस्ती प्रूफ कंजर था वो, जेन्युइन कंजर था, यानी कि जिसे सही कहते हैं ना वो था। मैं गंदगी यार ये बहुत ज़्यादा मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि गंदे लोगों की मैं बातें कर रहा हूँ तो गंदगी नज़र आएगी मुझे, गंदगी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो छत पे खड़ा हूँ, बोलो ठीक है, एंड वाली छत पे, इसलिए ये हमारे गांव का पीछे से नज़ारा देखें, माशाल्लाह बहुत प्यारा है, हरियाली हरियाली है, बहुत जानवरों में परिंदों की आवाज़ भी आ रही है, चिड़ियों की, कौओं की। तो वो भाई साहब फुल पूरे कॉन्फिडेंस से कंजर बने हुए थे, उन्हें कोई शर्म नहीं थी कंजर बनने में। ठीक है, तो यानी कि पिताशी कंजर थे, ये नहीं पता पिताशी कंजर थे कि नहीं, लेकिन आप बने हैं कि नहीं, लेकिन उस वक्त वो पूरे कॉन्फिडेंस से कंजर बने हुए थे। वो कह रहे थे कि मेरी बहन जो मर्जी करे, जो मर्जी करे, मुझे कोई परवाह नहीं, हम मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, पाबंदियाँ लगा कि आपको जानता हो, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है, सामने बंदा खड़ा है और बहुत अपने आप में मतलब कि उसको बहुत कॉन्फिडेंस था बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन चलो गुरूर का सार नीचे ही होता है हमेशा, और गलत काम का अंजाम भी बुरा ही होता है। ठीक है, तो उसके बाद एक हमारे बहुत क्यूट से एंकर पर्सन है यासर शामी साहब डेली पाकिस्तान पे, तो उन्होंने एक लड़की से सवाल पूछा, तो अभी लड़की को जवाब नहीं था आ रहा, वो अपनी भोंगियाँ मार रही थी। ठीक है, ये है वो है वो है ये है, अपनी भोंगियाँ मार रही थी, उसको जवाब नहीं आया कोई भी। ठीक है, और यासर शामी साहब पूछ भी रहे थे कि शटअप का मतलब क्या है, अगर मैं आपको शटअप बोलूँ, बकवास बंद करो बोलूँ, तो क्या वो नहीं कि इसमें कोई बड़ा मतलब नहीं है, ये है वो है। अरे बीबी मुझे ये बता, गाली पंजाबी में हो या इंग्लिश में हो, गाली तो गाली होती है। ठीक है, तो यासर शामी साहब ने बोला फिर आपका कुत्ता टोमी और हमारा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टोमी, तो फिर उन्होंने ठीक बोल दिया कि आप गाली दें इंग्लिश में। ठीक है, तो वो बहुत अच्छी बात है, यानी कि बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, वो इंग्लिश में गाली दी है। अगर हम लोग और खलील रहमान साहब अगर पंजाबी में या उर्दू में थोड़ी सी गाली दे दें तो वो कह देते हैं ये बदतमीज़ है, ये है वो है। ठीक है, गाली गाली होती है, चाहे इंग्लिश में हो, अरबी में हो, मुझे अरबी में भी आती है, फारसी में भी आती है, तुर्की में भी आती है, पश्तो में भी आती है, तो इंग्लिश में भी आती है मुझे, तो मैं दूंगा तो गाली गाली होगी। ठीक है, तो अगर मुझे ये लगा कि जो वहाँ पे शामिल हुई औरत मार्च में, औरत मार्च में नहीं कह रहा यार, ये छोड़ो कि मेरा जिसम मेरी मर्जी मार्च में जो मैं औरतें शामिल हुई, मुझे लगता था उनका जेहन भी नहीं है काम करता। ठीक है, वो अब पागल हो चुकी हैं, उन्हें वाकई उन्हें अलग रखना चाहिए सोसाइटी से, इंसानी सोसाइटी से, यानी कि ये जो आम लोग हैं हमारे और आप जैसे, इनसे अलग रखना चाहिए उनको। ठीक है, उनका इलाज होना चाहिए। तो मैंने कल इंटरव्यू लिया था, उसमें उन्होंने इलाज बताया था कि इन्हों सोटे पैने चाहिए ने। ठीक है, सोटे पैने चाहिए ने इन्हों, तो फिर यह ठीक हो। और उसके बाद कहता था कि उसका नाम क्या यार, ये बार बार इसका मंसूर साहब की वाइफ भी गई, तो उनके हाथ में ना एक वाइट सा कागज़ था, उस पर कुछ नहीं था लिखा हुआ, लेकिन बाद में जब सोशल मीडिया पे वो पिक तस्वीर क्या कहते हैं निकली, तो शेयर हुई, तो लोगों ने ना एडिटिंग करके उसके ऊपर ना लिख दिया मुझे तलाक चाहिए, मेरा जिसम मेरी मर्जी, इस तरह का कुछ ना लिख दिए वर्ड्स ना। तो मंसूर साहब ने ट्वीट किया कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, इस तरह नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मंसूर साहब आपको क्यों गुस्सा लगा है कि आपकी औरत, आपकी बीवी जो है वो औरत नहीं है। ठीक है, तो अगर उन्होंने शमूलियत की है तो फिर वो प्ले कार्ड भी उठाएं, तो आपको फिर क्यों गुस्सा लग रहा है। वैसे आप दूसरी औरतों को कहते हैं कि उसमें शमूलियत करें और वो प्ले कार्ड उठाएं वो अपने हक के लिए, तो क्या आप ये आपको अब क्यों बुरा लगा है, दूसरों को क्यों मशवरे देते हो फिर, अगर आप खुद नहीं इस तरह का कर सकते काम, वो काम करें जो दूसरों को वो मशवरा दे जो आप खुद भी कर सकें या अपने घर वालों से करवा सकें, यानी कि फिर आप दुश्मन हैं दूसरे लोगों के घर वालों के, आप चाहते हैं कि वो ख़राब हो, या फिर आप मुझे लगता है पाकिस्तान के दुश्मन हैं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन इसलिए हैं कि आपने ये जो ये पाकिस्तान को ख़राब करने का, गंदा करने का ये प्रोपेगेंडा जो शुरू किया है, तो आप उसकी हिमायत कर रहे हैं। चले छोड़ें, क्या मैं आपका ट्रैफिक शुरू कर लेता हूँ बार बार। ठीक है, आप लोगों को पता चल चुका है आपकी ये असलियत का, और मैं काफ़ी मैंने ये भी देखा है कि मारवी सरमद का वो एक इंडियन मूवी है सलमान खान की, वैसे है तो मेरा हीरो है, मैं उसे लाइक करता हूँ,
ठीक है तो उसकी एक मूवी है और शाहरुख खान की है साथ, वो पता नहीं क्या नाम है उसका, लेकिन उनमें ना बंधन, पता नहीं मैं भी नहीं बंधन नहीं करण अर्जुन उनमें नाम है उसका, तो दुर्गा की माँ का नाम होता है, पता नहीं क्या नाम होता है, तो वो कहती है ना मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो उसी तरह ही ना पोस्ट की हुई थी कुछ ने आई डी से कि मार्विक में मतलब नया हुआ था वो उनकी माँ, तो वो बोल रही थी मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो करण अर्जुन अमर लियाकत और मंसूर अली खान थे दोनों तो यार फिर आप इस तरह के क्यों काम करते हैं जिससे आपकी इंसल्ट हो, आपके घर वालों की इंसल्ट हो, घर वालों का क्या कसूर है? ठीक है, अगर कसूर तो आप लोगों का है, आपके जहन का है, आपकी गंदी सोच का है। मंसूर साहब ये मैं आपको कह रहा हूँ, अमर लियाकत साहब आपको भी मैं कह रहा हूँ, सोच तो आपकी गंदी तो आपकी गंदी सोच क्या है? ठीक है, ये जो गंद पीछे नहीं पड़ा हुआ वो जो है इससे भी ज़्यादा आपकी सोच गंदी है, मैं दिखा रहा हूँ इसीलिए, इससे भी ज़्यादा आपकी सोच गंदी है। ठीक है, जो मेरे पाकिस्तान का दुश्मन है ना वो मेरा दुश्मन है, मैं उसके लिए कुछ भी बोलूँगा और करूँगा भी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, आप लोग हैं गंदे, ठीक है, आपका जहन गंदा, मैं आपके घर वालों को नहीं बोलूँगा, ठीक है, उनका कसूर नहीं है, ठीक है, आपको बोलूँगा आपका जहन गंदा है, आप खुद गंदे हैं, पैसे के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी में बहुत कुछ शामिल हो जाता है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और रही दूसरी बात, मैंने एक ट्वीट देखा गुलालाई इस्माइल गुलालाई जो है, ये सब लोगों को पता है वो पाकिस्तान की दुश्मन है, थी और रहेगी। ठीक है, और उसने ट्वीट किया है, वो है ट्वीट किया उसने कि हम हमायत करते हैं और ये है वो है जो भी है, तो मारवी सरमद ने उसको रीट्वीट किया हुआ है, तो करो हमें क्या यार, कुत्ते भोंकते हैं, उनका काम है भोंकने का, कुत्तों का क्या काम होता है भोंकना, तो भोंकते रहो, हमें कोई परवाह नहीं है, और ना पाकिस्तान को आप जैसे नमक हराम गद्दारों की कोई परवाह नहीं है। अगर इस्माइल गुलाला इस्माइल तुझे मैं कह रहा हूँ, अगर तुमने मेरी ये वीडियो देखती हो तो, या कोई और कोई देखता है उसे पैगाम पहुँचाए कि मैं उसे कह रहा हूँ, अगर तुम्हें इतना ही हमायती बनना था, हमायत करनी थी, तो अमेरिका बैठ के कर रही हो, यहाँ आके तू इत्तेजाज में शामिल हो ताकि पता चले कि तू कितनी खैरख्वाह है। ठीक है, वहाँ बैठ के मशवरे दे रही हो, ठीक है, भगोड़ी कहीं की, हमें भी पता है तू क्या करती है। ठीक है, ये तो मेरा ट्विटर पे अकाउंट मेरे 3 बंद हो चुके हैं, तो उसमें मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे, मेरे दोस्त थे, जिसने तेरे करतूतें मुझे बताई हुई थी, अगर मैंने मोबाइल चेंज ना करता या होता तो, या मेरे अकाउंट ना बंद होते तो मैं ज़रूर शेयर करता यहाँ पे, जो तेरी काली हबशियों के साथ डांस की नाइट क्लब में तस्वीरें हैं, कुत्तों के साथ तस्वीरें हैं, जो तेरा काम है वही तू कर। ठीक है, पाकिस्तान के मैटर में इंटरफेयर मत कर। ठीक है, तो फिर पता क्या होता है, अगर फिर थोड़ी सख्ती होती है ना, तुम फिर तुम लोग रोते हो, तो अपने गोडे सिर दे के ना फिर तू ही रोंदे हो। ओ जनाब, तो मारवी शर्मा साहब, ठीक है, तो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन जो उसने किया तो अब कहना बनता है, अब जो भी हो देखा जाएगा, कल पे ढोल बजाना ही पैंदा है कि ऐसा है कि जैसे पंजाबी की कहावत है, इंजी कहीं मज सिद्धी करवाई जूगा तो लानी है, इन लगता है जी मज सिद्धी करवाई है। ठीक है, अरे बेवकूफ औरत, जाहल औरत, अब जो मैंने ट्विटर पे बोला है वो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो फिर जो मेरे व्यूज़ हैं वो ज़रा, ठीक है, नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, मुझे पहले भी एक दफ़ा बोला गया कि ज़रा हाथ होला रखा करो। ठीक है, तो मैं भी वो क्या है LLP या जो भी है, वो क्या नाम है उनका, राजा जी जो, उनकी तरह मैं भी अगर बोलूँ, ठीक है, लेकिन वो ठीक है, वो अच्छा कर रहे हैं काम, जो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं और आर्मी के ख़िलाफ़ हैं उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं और ठोक के बोलते हैं, तो बोलना ठीक है, सही है, मैं अगर मैं नहीं ऐसा बोल सकता, सही है। तो मैं कह रहा हूँ कि तू बुढ़ी है, तू अब तेरी उम्र है कि तू कवर के डिज़ाइन पसंद करे, ठीक है, तू अब किस तरह के कामों में पड़ गई है, मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी नारे लगाती है और उसके बाद बोलती है हमें हक चाहिए, हक तो आप सब लोगों को मिल चुका है, इस्लाम दे चुका है, सबसे ज़्यादा हकूक तो इस्लाम ने दिए हैं। आखिर पे जनाब मैं आप ज़्यादा चाहता हूँ आपसे, ठीक है, आखिर पे लाहौर कलंदर वालों आपको मुबारक हो, लाहौर कलंदर की टीम को, माय फेवरेट टीम, ठीक है, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, है तो हम पठान मगर हम सपोर्ट जो है लाहौर कलंदर को करेगा और करता रहेगा, माय फेवरेट लाहौर कलंदर, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको बहुत बहुत ज़्यादा,
ओके, अल्लाह हाफिज़।